इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं क्या आपको पता है? क्या आपको पता है इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? जी हाँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप सबको इसका इंग्लिश मीनिंग पता है। दैट्स वाई इन नॉर्मल थिंग्स का मीनिंग बता के आप सबका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो क्यों ना आज कुछ एडवांस सीखें। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे 10 प्रकार के टेबलों का नाम बताने जा रहा हूँ जिसका हम डेली लाइफ में तो यूज़ करते ही हैं, बट अधिकतर लोगों को इसका इंग्लिश नेम पता नहीं रहता। नाउ फाइनली मेरा आपसे प्रश्न है सर, जानना है कि जाना है? यदि आपको जाना है ना, तो अभी से आप जा सकते हो भाई साहब। लेकिन यदि जिसको सच में जानना है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन आसान इंग्लिश। आई एम भीषण कुमार साहू। माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट इज डाइनिंग टेबल। सो वी कैन से अ टेबल ऑन विच मील्स आर सर्व इन अ डाइनिंग रूम। ऑल राइट, वह टेबल जिसमें आपकी वाइफ आपको खाना सर्व करती है। यदि आप अनमेरिड हो तो मम्मी लाती होगी। नेक्स्ट वन इज डेस्क टेबल। सो वी कैन से अ पीस ऑफ फर्नीचर विद अ फ्लैट आर स्लेपिंग सरफेस आर टाइपिकली विद ड्रावर्स एट विच वन कैन रीड राइट एंड डू अदर वर्क। हिंदी में बताता हूँ, ये एक सपाट ढक्कन वाली सतह के साथ फर्नीचर का टुकड़ा होता है जिसमें आमतौर पर दराज के साथ जिस पर कोई भी पढ़ सकता है, लिख सकता है या और कुछ भी काम कर सकता है। इसको डेस्क टेबल बोलते हैं। जनरली इसे पढ़ने लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पिकनिक टेबल। इट मीन अ मॉडिफाइड टेबल विद अटैच्ड बेंचेस डिजाइन फॉर ईटिंग अ मील आउटडोर्स। ओके, ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें दो संलग्न बेंच के साथ एक संशोधित टेबल होता है जिसे बाहर खाना खाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पूल टेबल। इट मीन्स अ बाउंडेड टेबल ऑन विच बिलियर्ड्स टाइप गेम आर प्लेड। इसका मतलब यह है कि ये एक प्रकार का बाउंड टेबल होता है जिसमें बिलियर्ड प्रकार का कोई गेम खेला जाता है जिसे पूल टेबल कहते हैं। और राइट, नेक्स्ट वन इज गार्डन टेबल। इट मीन्स अ टाइप ऑफ टेबल स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर आउटडोर यूज। नाम से ही जाहिर है, इस प्रकार के टेबल को गार्डन में रखने के लिए डिजाइन किया जाता है और जिसे आप अपने गार्डन पे रखते हो। नेक्स्ट है सर ट्रस्टल टेबल। सो वी कैन से अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ अ बोर्ड आर बोर्ड्स लेड ऑन वुडन और मेटल स्ट्रक्चर। और राइट, हिंदी में बताता हूँ, ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें लकड़ी या धातु की संरचना पर बोर्ड या बोर्ड्स होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं आया पिक्चर देखो। द नेक्स्ट इज वर्क बेंच। सो वी कैन से अ बेंच एट विच कारपेंट्री और अदर मैकेनिकल और प्रैक्टिकल वर्क इज डन। और राइट, आसान भाषा में बताता हूँ, ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कोई कारपेंटर होता है, पढ़ाई लोग होता है, वो अपना काम फिनिश करते हैं, या कोई मैकेनिक होता है, या फिर कोई प्रैक्टिकल करने वाला पर्सन होता है, ये लोग जनरली जिस टेबल को यूज़ करते हैं उसको वर्क बेंच किया जाता है। और राइट, नेक्स्ट वन इज बिसाइड टेबल। इट मीन्स अ स्मॉल टेबल इज वेली विद सेवर्स और ड्रावर्स दैट यू हैव नेक्स्ट टू योर बेड। और राइट, आमतौर पर अलमारियों या दरवाजे के साथ में एक छोटी सी मेज होती है जो आपके बिस्तर के पास रखी जाती है जिसे बिसाइड टेबल कहा जाता है। ओके, यदि मेकअप लगाने वाला कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है ना, तो नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड को कभी भूलेंगे ही नहीं, वो है वेनिटी टेबल। इट मीन्स अ स्मॉल टेबल इन योर बाथरूम और यू कैन से बाथरूम वेयर यू कीप मेकअप एंसेट्रा। और राइट, हिंदी में बताता हूँ, जब हम नहा के निकलते हैं तो बाथरूम में एक छोटी सी मेज जिस पर मेकअप वगैरह का सामान रखा जाता है उसको बोलते हैं वेनिटी टेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉफ़ी टेबल। सो वी कैन से अ लो टेबल यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सोफा ऑन विच टू सेट ड्रिंक्स मैगजीन एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और राइट, उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया, इसीलिए आपका इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है साहब। क्या आज से आप भी मेरे साथ मिलकर इंग्लिश सीखना तथा अपने छोटे भाई बहनों तथा फ्रेंड सर्कल को सिखाना चाहते हो? यदि हाँ, तो सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी इस आसान इंग्लिश चैनल को, क्योंकि मैं बेसिक, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस सभी प्रकार के लर्निंग, डेली लाइफ यूजेबल ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। यदि अभी तक बेल आइकन हिट नहीं किए ना, मिस हो जाएगा सभी वीडियो। यदि मेरे इन वीडियो से आपको जरा सी भी लर्निंग मिलता हो ना,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। शायद इतनी मेहनत आपको लाइक करने में नहीं लगता होगा। हर बार की तरह इस बार भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर वापस आकर वीडियो देख कर अपने कीमती समय को इंग्लिश लर्निंग में इन्वेस्ट करने तथा कराने के लिए आप सबका विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय।